नमस्कार, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। आज चिल्लू पार्क की धरती पर जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है आगमन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से बरौली में अनावरण होता हुआ ईश्वर को हम सब अभिभूत कर सकते हैं। एक ऐसे सर्वदय व्यक्तित्व के कर कमलों से समाज सेवी श्री आनंद सिंह की प्रतिमा का अनावरण होता हुआ इस धरा पर हम सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अर्पण करके वहाँ से बस कुछ ही पल में जो है मंच पे आने वाले हैं। तो जैसे मुख्यमंत्री हम सभी आज ग्राम भरौली के समस्त हमारे सहयोगी हैं, कैमरा मैन ग्रामवासियों मैं माता खान सर के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में शत शत नमन वंदन एवं अभिनंदन। मंच पर पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अतिथि ग्राम भरौली की इस धरा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत करें। अतिशीघ्रता से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र तदुपरांत पुष्पगुच्छ के साथ तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं स्नेह पुष्पगुच्छ इस धरा के समस्त छात्र छात्राओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। तदुपरांत कल रामनवमी के इस पावन अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यह प्रतिमा एवं सदैव आपकी जय हो इस समस्त प्रांगण की ओर से विजय सूचक गदा का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक छोटी सी भेंट परिवार आपका तालियों के साथ इस क्षण को अभिभूत करें हम सभी समस्त अतिथिगणों के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सभी माननीय विधायक लखनऊ से दिल्ली से चल रही है तो सीधा चिल्लू पार में विकास की अब बाल्टी भरने लगी है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 13,000 करोड़ का जब शिलान्यास कराया गडकरी जी को लाकर तो 1100 करोड़ रुपया केवल चिल्लू पार के हिस्से में ही आ गया। इसके लिए मैं राज्य में आपका राम जानकी मार्ग के सौकर के लिए आपको फोन लेने के धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो गीडा बना है महाराज जी 8,000 हेक्टेयर में आपने गीडा जो दिया है सौगात चिल्लू पार को चिल्लू पार का नौजवान अब गिनतिया मजदूर लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का समर्पित समाज सेवी बाबू आरएन सिंह जी के प्रतिमा अनावरण और अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर भारतीय संघ मुंबई और राम सखी राम निवास शिक्षण संकुल के अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, इस शिक्षण संकुल के प्रबंधक श्री अमरजीत सिंह जी, उपाध्यक्ष गीता सिंह जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, श्री जीएस भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस शिक्षण संकुल से जुड़े भी सभी यहां के आचार्य शिक्षक अभिभावक और प्यारे बच्चों, इस क्षेत्र के सभी उपस्थित
नागरिक भाइयों बहनों, आज रामनवमी की अष्टमी तिथि है और कल रामनवमी का आयोजन है। इससे अच्छा सुखद संयोग और क्या हो सकता है। यानी शक्ति के मिलन की तिथि। एक ओर जगत जननी मां भगवती दुर्गा की अनुष्ठान की अष्टमी तिथि और दूसरी थी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी की सिद्धिदात्री के रूप में उसका अनुष्ठान होता है। हम जो कुछ भी करते हैं सफलता प्राप्त होना ही सिद्धि है। जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और जो संकल्प होता है उस संकल्प को सिद्धि में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भगवान राम उसके आदर्श हैं। और कल सिद्धिदात्री की इस पावन तिथि पर रामनवमी का पावन आयोजन होगा और आज हम भरोली गांव में यहां पर बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं लेकिन भाइयों बहनों, उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर शिक्षण संकुल और बाबू आर्यन सिंह जी के नाम पर बना हुआ यह डायलिसिस सेंटर। व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बड़े पदों पर जा सकता है, यश और समृद्धि प्राप्त कर सकता है लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आर्यन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से बाबू आर्यन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया, उसे एक सकारात्मक दिशा भी दी और हर तीन दुखी के साथ खड़े होते हुए जब उन्हें लगा कि नहीं, मैंने मुंबई में अपने लिए, मुंबई आने वाले सभी लोगों के लिए कुछ किया है, अब मुझे अपनी मातृभूमि के लिए भी करना चाहिए, अपनी जन्मभूमि के लिए भी करना चाहिए, तो भरोली में आकर के पहले इतना अच्छा शिक्षण संस्थान खोला है। क्योंकि शिक्षण संस्थान में एक बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ था, यहां एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उस दिशा से मुझे उस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अक्सर जब इधर से
कभी जाता था निकलता था या मुझे बाढ़ के दौरान भी, तो उससे पहले मैं देखता था कि दक्षिणांचल के क्षेत्र में इतना अच्छा संस्थान कौन खोला है। लेकिन मुझे चूंकि हेलीकॉप्टर से जाने का अवसर मिलता था तो मैं बहुत नजदीक से उसका अनुभव नहीं कर पाता था। मैंने सुना था कि यहां पर अच्छा संस्थान बना है। एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव को भी यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय उन्होंने भी कहा था बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया गया दक्षिण में। और भाइयों बहनों, मैं देख करके आश्चर्य करता हूं, आखिर यही वो क्षेत्र है जहां पर 100 वर्ष पहले लोग गिरमिटिया मजदूर बन करके जाते थे। ये गिरमिटिया मजदूर, क्योंकि बाढ़ के प्रकोप त्रासदी, एक फसल होना और उसमें भी कभी कभी प्रकृति की मार पड़ जाती थी तो लोगों के लिए सामने संकट आ जाता था, जाने के साधन नहीं थे। लेकिन न केवल इसके माध्यम से समृद्धि अर्जित करना है बल्कि समृद्धि के साथ साथ अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना है। और यह कार्य किया बाबू आरएन सिंह जी ने। मैं आज जब उनकी प्रतिमा का यहां पर अभी कुछ देर पहले अनावरण हुआ है, उनके पवित्र समाधि स्थल पर भी मुझे पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उनके नाम पर बने हुए डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहन, डायलिसिस सेंटर आज इसकी बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में लंबी लाइन लगाई रहते हैं लोग, लखनऊ में बड़े बड़े केंद्रों में, लेकिन यहां पर उनके पुत्र श्री संतोष सिंह जी ने जिस तरीके से यहां पर अच्छे चिकित्सकों के साथ, अच्छी टीम के साथ, अत्याधुनिक सुविधा से युक्त इस सेंटर को यहां पर चलाने का काम किया है। 9 बेड्स हैं यहां पे, यानी एक दिन में लगभग 25 से लेकर 30 लोगों को डायलिसिस की सुविधा इस केंद्र में दी जा सकती है, एक दिन में दी जा सकती है। अत्याधुनिक सुविधा दी है, टेली कंसल्टेशन से जोड़ करके, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ जोड़ करके अगर इस व्यवस्था को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा दें, मुझे लगता है कि दक्षिणांचल के लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भगवान करे कि किसी की किडनी खराब ना हो, लेकिन फिर भी खान पान की विसंगतियां इतनी ज्यादा है, इतना फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड और सब्जी और मिलावट के हर एक चीज में पड़ रही है, व्यक्ति का न चाहते हुए भी इस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं। और उसके लिए उपचार की व्यवस्था हो। संतोष सिंह जी, आपने अपने पिता को बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है कि उनके संकल्प को पूरा किया है। मैं आपको, आपकी बहन को, आपके परिवार के लोगों को और सभी लोगों को इस बात के लिए आपकी सराहना करते हुए धन्यवाद दूंगा कि एक योग्य पुत्र के रूप में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और रामनवमी के अवसर पर आप इसका लोकार्पण कर रहे हैं। अपने पूज्य पिता के प्रति इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, अगर इसी प्रकार से दक्षिणांचल से अलग अलग क्षेत्रों में, इतना मैं देखता था आज से 15-20 साल पहले हम लोग अक्सर बैंकों के साथ बातचीत करते थे, एक सांसद के रूप में मैं देखता था कि जितना पैसा दक्षिणांचल में आता है गोरखपुर सिटी में भी उतना पैसा पहले नहीं आता था। इसका मतलब यहां पोटेंशियल थी, लोगों के पास सामर्थ्य थी, क्षमता थी, उस क्षमता को समाज के लिए उपयोगी बनाना, व्यक्तिगत क्षमता को अपने परिवार के हित के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी बना देना, ये बड़ी बात है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्य यहां पर बाबू आर्यन सिंह जी ने, श्री संतोष सिंह जी ने यहां पर प्रारंभ किया है,
हर गांव हर एक क्षेत्र में कहीं अच्छे आईटीआई खुल जाए, कहीं अच्छे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल जाए, कहीं पॉलिटेक्निक बन जाए, कहीं अच्छे चिकित्सालय बन जाए, कहीं पर ब्लड बैंक बन जाए, अलग 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 क्षेत्र में अलग अलग चीजें बन जाएंगी। तो मैं यहां पे देख रहा था, यहां पर एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड के ट्रेनिंग सेंटर का भी आयोजन और की स्थापना की गई है। यानी यहां का युवा जो दसवीं पास है, पढ़ने में बहुत रुचि नहीं है, वो चाहता है 25,000-30,000 की नौकरी मिल जाए, तो एक महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको ये गारंटी ये संस्थान देता है 50,000 से अधिक लोगों को, 50,000 से अधिक परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ना। अद्भुत कार्य है, अभिनंदनीय है, बहुत सराहनीय है। और इसीलिए तो मातृभूमि बार बार उन्हें खींच के लेके आती थी यहां। आज आयोजन उसका एक मूर्त रूप है। मैं इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर का दक्षिणांचल क्षेत्र जो कभी विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया था, आज विकास की स्पीड को डबल इंजन सरकार की तर्ज पर, डबल इंजन के साथ बुलेट ट्रेन की तर्ज पर आगे बढ़ रही है। एक तरफ यहां से कुछ ही दूरी पर आप देखते होंगे राम जानकी मार्ग बन रहा है। राम जानकी मार्ग के साथ साथ यहां से कुछ ही दूरी पर धुलियापार में हम बायोफ्यूल का एक प्लांट देने जा रहे हैं। ये जितना भी किसानों के खेत में पुआल होगा, खरपतवार होगा, ये सब को वहां मंगवा लिया जाएगा, उसका भी पैसा किसानों को अलग से मिलेगा। स्थापित करने का कार्य सरकार करेगी। जो पैसा पहले बाहर लगता था बैंकॉक में, सिंगापुर में, लाओस में, म्यांमार में, मुंबई में, वही पैसा आप दक्षिणांचल में ही लगेगा और यही उद्योग लगेंगे, यहीं के नौजवानों को यहां ट्रेनिंग दी जाएगी, यहीं पे उन्हें नौकरी देने का काम भी करेंगे। और आप इसी प्रक्रिया को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं, लगातार सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। बाबू आर्यन सिंह जी 10 वर्ष से 20 लोगों को पेंशन की सुविधा अपने गांव में दे रहे हैं। जन्मभूमि का ऋण तो ऐसे चुकता किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की प्रगति में उसकी व्यक्तिगत परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, परिवार का महत्वपूर्ण रोल भी होता है, गांव का भी रोल होता है, स्कूल का भी रोल होता है, सबका होता है। लेकिन भगवान ने जिसको सामर्थ्य दी है उसका तो क्या करना, लेकिन जो नहीं, जिसके पास नहीं है, अगर उसके लिए संबल बन जाए तो इससे अच्छी बढ़कर के बात दूसरी नहीं हो सकती है। और ये गांव में उनका उदाहरण इन्होंने एक और प्रस्तुत किया है। और भाइयों बहनों, इसलिए गोरखपुर के प्रति उसी ऋण से मुक्त होने के लिए सरकार भी आपके साथ खड़ी है, विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने अच्छे जनप्रतिनिधि दिए हैं, आपके सांसद, आपके विधायक, ये सभी लोग मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये विकास होगा तो ट्रेनिंग की क्षमता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे तेजी के साथ यहां के नौजवानों को आने वाले समय में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन बेटियों को यहीं पर पढ़ने के अच्छे सेंटर मिलेंगे, यहीं पर आने वाले समय में अलग अलग केंद्र बनेंगे। कहीं नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है, कहीं फार्मेसी की हो रही है, कहीं टेक्निकल एजुकेशन की हो रही है, कहीं वोकेशनल एजुकेशन की हो रही है, कहीं हायर एजुकेशन में अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, कहीं मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन बच्चों को यहीं पे तैयारी के सेंटर मिलेंगे। और अभिभावक को फिर चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को भी अपने ही गांव, अपने ही केंद्र के आसपास बिना अभिभावक पे अतिरिक्त भार बढ़ाए ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो उसका जीवन आसान होगा, वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। और इसके सेंटर मिलेंगे और अभिभावक को फिर चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवानों को भी अपने ही गांव,
अपने केंद्र के आसपास बिना अभिभावक पे अतिरिक्त भार बढ़ाए ही ये सुविधाएं प्राप्त होंगी तो उसका जीवन आसान होगा, वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए आप सबके सामने एक उदाहरण है बाबू आर्यन सिंह जी का कि आप लोग भरोली और उस आसपास के गांवों के लोग, मैं भी देख रहा था डायलिसिस सेंटर में, मैं पूछ रहा था टेक्नीशियन से भी कहां के रहने वाले हैं, वे सब अगल बगल के गांव के रहने वाले हैं, उन्हें ट्रेनिंग ली, आज अपने गांव में यहां पर उनको घर से आराम से खेतीबाड़ी भी कर सकते हैं, आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब घर के पास कार्य मिले तो जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, दुगनी इसलिए कि तब यह देखना चाहिए कि हर परिचित व्यक्ति आपके पास आने का प्रयास करेगा, उसकी मदद भी करनी है लेकिन नियमों का पालन भी करना है। और नियमों का पालन करते हुए अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होने का कार्य कर सकता है। और आज हम लोग अष्टमी की स्थिति में यहां पर इस केंद्र में आकर के इसका अनुभव कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को, इस कार्य के लिए उनके परिवार के लोगों को, बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित करने इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, बाबू आर्यन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें मिले, 35 लाख करोड़, आप सम्मान कर लीजिए, 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है जी, 35 लाख करोड़। ये पैसा अगर जमीन पर जब लगेगा ना, 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी, 1 करोड़ से ज्यादा। गोरखपुर जिले में भी अनेक प्रस्ताव आए, इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, विकास की परियोजना में बाधा न बनना बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक अनुभव कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर बाबू आर्यन सिंह जी को, इस कार्य के लिए उनके परिवार के लोगों को, बाबू आर्यन सिंह जी की प्रतिमा को स्थापित करने इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से बधाई देता हूं, बाबू आर्यन सिंह जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था, 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें मिले, 35 लाख करोड़, आप सम्मान कर लीजिए, 35 लाख करोड़ बहुत बड़ी पूंजी होती है जी, 35 लाख करोड़। ये पैसा अगर जमीन पर जब लगेगा ना, 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी, 1 करोड़ से ज्यादा। गोरखपुर जिले में भी अनेक प्रस्ताव आए, इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, विकास की परियोजना में बाधा न बनना बल्कि उस परियोजना को आने वाले समय के लिए अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक माध्यम मानना, यह हमारा कार्य होना चाहिए। और अभी तो ये विकास की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी है, राम जानकी मार्ग जब अयोध्या से सीतामढ़ी तक सीधे बनेगा और वहां से जनकपुर तक बनेगा तो आप लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आप लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को सोचिए, कब आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम मां जानकी को लेकर किसी मार्ग से अयोध्या गए थे, जनकपुर से अयोध्या गए थे, आज वो मार्ग 2 लेन और कहीं कहीं 4 लेन बन रहा है। कितना सौभाग्यशाली है आप इतनी समृद्ध विरासत को, और इस वर्ष तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, आप भी जाके कह सकते हैं कि हमने भी योगदान दिया। बाबू आर्यन सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए का दान राम मंदिर निर्माण के लिए दिया, तो आप भी जाके कह सकते हैं वे हमारे गांव का भी योगदान है, हम भी राम मंदिर निर्माण में योगदान किए। राम मंदिर का निर्माण भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण जैसा है,
500 वर्षों के बाद यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है और इस अवसर के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारत की न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए अपने आप को सदैव इस बात के लिए तैयार रखना होगा कि आने वाले समय में हमारी विरासत को भारत की आन मान और शान के खिलाफ कोई दुस्साहस न करने पाए, इसके लिए सदैव सचेत होकर के हमें कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सब खिलाफ कोई दुस्साहस न करने पाए, इसके लिए सदैव सचेत होकर के हमें कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको रामनवमी की और चैत्र नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बाबू आर्यन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दक्षिणांचल को एक अच्छी चीज यहां पर उपलब्ध कराई है, इसके लिए उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। संदीप भैया बनिए, अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ बाबू आर्यन सिंह आगे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बाकी हमारी जो है टीम मनोज मिश्रा जिला संवाददाता और मैं महताब खान कैमरामैन आकाश।